दोस्तों, हमारे गांव के जितने भी धान ढोने वाले हैं इसी नदी में पार होकर जाते हैं। कितना उन्हें परेशानी की सामना करनी पड़ती है, क्योंकि अभी तो इतने पार हो जा रहे हैं, लेकिन जब इसमें बारिश के समय आप समझ सकते हैं कितने परेशान होती होगी। और ये लोग लगभग 1 किलोमीटर उधर दूर जाएंगे। बहुत इसमें पुलिया बनने के लिए कई बार दोस्तों आवाज़ उठा के देखे, आवेदन डाल के देखे, कुछ सुनवाई नहीं होता है। बहुत परेशान है हमारे ये गांव वाले, धान ढोना पड़ता है, इसी में नदी जब भरे रहता है तो इसी में पार होना पड़ता है, अपने जान को जोखिम में डालते हुए। अब क्या करेंगे, अब पूरा खेत खलिहान उन्हें नदी से इसी पार है। हमारे बस्ती वाले के जितने भी किसान भाई लोग हैं उनका खेत नदी से इस पार होते हैं, तभी नांगर उंगर हल उल चलाते हैं। तो देख सकते हैं इसमें चल रहे हैं, एकदम उन्हें पत्थर को जमाए हैं, उसको धीरे धीरे संभल के पार हो रहे हैं। और आगे तरफ इतने सारे बहुत ज़्यादा हैं, एक घर के तो नहीं हैं, मैंने 2-3 घर का आज ढो रहे हैं। तो ये सब परेशानी अभी भी मैनपाट के कई इलाकों में, मैंने ये सब विकास से कोसों दूर है, अभी भी पिछड़े हुए एरिया, ये आउट एरिया है। यहाँ कोई सरकार ध्यान देती है ना कोई नेता ध्यान देते हैं। इसको कई बार आवेदन डाल के देखे हैं, सरपंच भी इसको ध्यान नहीं देता है। तो अब क्या करें, अब ये सब करना पड़ रहा है मेहनत। ये देखियो सब धान ढोह के जा रहे हैं। और ये दोस्तों घूंघटा नदी की एक घाट है, ये उसी कितनी घाट है दोस्तों देख सकते हैं। अब नदी पार हो करके घाट चढ़ना पड़ता है, एक जन तो एकदम मैंने पिछड़ गया है, सबसे पीछे हो गया है, और बाकी लोग आगे देख पा रहे हैं, वहाँ तक एकदम सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, वो चढ़ रहे हैं धीरे धीरे घटिया। और ये इधर वाला तो बैल है, और उधर जाएंगे आगे बहुत दूर, 1.5 किलोमीटर की ये घाट है, और इसमें कुछ सुविधा ही नहीं है, ना मैया जी हाँ, ना ट्रैक्टर इसमें आना जाना, ना कुछ नहीं, रोड उड की कुछ सुविधा नहीं है। पूरे सब कंधा में ढो के सिहरी बहिंगा में ले जाते हैं घर, बहुत दूर। अभी मैं उस रास्ता को दिखाऊंगा, मैं अभी हम लोग बैल चराने के लिए आए हैं, तो हम लोग भी उसी रास्ता में जाएंगे, ना नोनी जी हाँ। और ये देख पा रहे हैं आगे तरफ, वहाँ बहुत दूर तक नज़र जा रही होगी, दिख रही है, मैंने छोटी छोटी एकदम सफ़ेद सफ़ेद वो आदमी हैं, धान बह के जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी उस वाली रास्ता में हम लोग जाएंगे तो दिखाऊंगा मैं। और खनियाल में धान रखे हैं उसको भी दिखाऊंगा, ठीक है, धन्यवाद। यही वाला नदी है दोस्तों जो अभी आपको दिखाया, दूर से पार हो रहे थे धान बोहा लोग, इसी में पार होते हैं हम लोग जब एकदम पानी भर जाता है उस समय, और बहुत डर भी लगता है। ये वाला है तो हम लोग बैल चरा के ला रहे हैं और इधर ले जाएंगे वाला रास्ता में, तो इसमें पार होना है अभी।